अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और कंप्यूटर ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। जिस तरह मैंने लास्ट वन वीडियो में आप लोग को एक कंप्यूटर ट्रिक के बारे में बताया था, जिसमें प्रोग्रामिंग के नंबर्स जो रैंडमली ऊपर नीचे शो हो रहे थे, और वो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक थी। जब आपने मतलब वो किसी को भी दिखाई होगी, अपने दोस्त वगैरह को या कज़न वगैरह को, तो वो भी हैरान रह गया होगा। और मतलब ये हैकिंग ट्रिक नहीं थी, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, वो एक तरह की स्किल थी, एक तरह का कोड था जिसको आपने अप्लाई करवाया अपने पीसी पर, तो वो बहुत ही अच्छा मतलब उसने रिजल्ट दिया और काफ़ी अच्छी उसके रिस्पांस भी थे। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही प्रोग्रामिंग कोड शेयर करने वाला हूँ। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो में जो मैं कोड इस्तेमाल करने वाला हूँ इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये कोड आप लोगों ने किसी को भी सेंड नहीं करना। मैं ये सिर्फ आप लोग के लिए मालूमात के लिए बता रहा हूँ, आपने इसे बना लें, बेशक अपनी मर्जी की इसे बना लें इस प्रोग्राम को, बट इसको आपने कहीं और सेंड नहीं करना, या ना ही आपने खुद इसको एग्जीक्यूट करवाना है अपने पीसी में, क्योंकि बहुत हार्मफुल है, या आपके पीसी के डाटा को ख़त्म भी कर सकता है और आपके पीसी को हैंग भी कर सकता है, और ये इसके बहुत ख़तरनाक नतज होते हैं, क्योंकि एक तरह का ये आप कह सकते हैं वायरस है एक तरह का। मतलब लास्ट टाइम मैंने काफ़ी दोस्तों के साथ भी मतलब मजाक में बंदा करता है तो उसमें काफ़ी दोस्तों के साथ भी मतलब मैंने उनके पीसी में भी किया था, सेंड कर दिया था एक दोस्त को मैंने जीमेल पे सेंड कर दिया था, तो उसने अपने पीसी में इसे मतलब डाल लिया, उसे पता नहीं था। तो अब उसने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखा हुआ था, एंटीवायरस ने भी इसे ढूंढा नहीं, फिर उसको दोबारा नई विंडो करवानी पड़ी और उसका काफ़ी नुकसान हो गया। तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप लोग इसको इस्तेमाल अपने पीसी पर मत कीजिएगा, बट आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इसको बनाना आप लोग को सिखा देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही गुजारिश मैं हर वीडियो के स्टार्ट में करता हूँ कि आप लोगों ने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, ताकि हम इस तरह की जो मजीद वीडियो बनाएं हम उसमें बेहतरी लाते रहें। तो अब यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग की जो स्किल है इसको जो कोड है इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नोट पैड को ओपन करना है, मैं नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से नोट पैड किया मैंने, इसको मैं इसका बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को इसको आसानी से नजर आ जाए। अब इसमें मैं यहाँ पर लास्ट टाइम जो मैंने कोड टाइप किया था उसमें भी एट द रेट से मैंने स्टार्ट किया था, और यहाँ से इको आपने प्रेस करना है, और इसके बाद ऑफ, ठीक है, ऑफ करके देन एंटर प्रेस करेंगे, फिर आप डबल डॉट उसके बाद ए प्रेस करें, फिर एंटर प्रेस करें, नीचे आ जाएं, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट START स्टार्ट, और स्पेस आपने यहाँ पर नहीं देनी, या ऐसे दे देते हैं हम, स्पेस दे देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर सिस्टम। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने इनके जो मैंने सिस्टम और स्टार्ट का जो पहला लफ्ज है वो मैंने बड़ा लिखा है, तो आपने भी इससे बड़ा ही लिखना है। तो इसमें कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा प्रोग्राम बना सकेंगे। सॉरी, तो यहाँ पर ये बैक स्लैश आपने डालनी है, उसके बाद फिर सिस्टम SYSTEM सिस्टम, इसके बाद सिस्टम 32, देन 32 हमने सिस्टम अब क्यों लिखा, क्योंकि सिस्टम रूट जो है वो सिस्टम 32 में होता है, और इसके लिए हमें सिस्टम की परमिशन लेनी होती है, उसके बावजूद कह रहा हूँ, उसके बगैर हम इसे एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। तो इसमें क्या होता है जी, नोट पैड, और इस ट्रिक का नाम तो सॉरी मैंने आप लोग को बताया ही नहीं, इसका नाम पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस ट्रिक का नाम है जी एंडलेस नोट पैड, ठीक है। तो आपने इसे ट्राई करना है लाजमी। तो इसमें जो आपको मिलेगा यहाँ पर, इसके बाद हमने EXE यहाँ पर प्रेस कर देना है, ठीक है, मैं भी यहाँ प्रेस कर देता हूँ E, सॉरी
exe, यहाँ पर आई थिंक स्पेस मैं दे देता हूँ, नहीं सॉरी स्पेस नहीं देंगे हम, यहाँ पर डॉट लगाएंगे। डॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये एक्सटेंशन है, यहाँ पर ही हमें एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। उसके बाद सॉरी यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर गो टू ए। गो टू ए मैंने क्यों लगाया, मैंने आपको लास्ट में प्रोग्रामिंग में बताया था उसमें, क्योंकि यहाँ पर मैं लूप को स्टार्ट कर रहा हूँ, लूप को फिर मैंने एंड भी तो करना है, तो लूप यहाँ पर एंड हमारी हो रही है। इसके बाद आप इसे सेव कर दें, सेव एज पे जाके यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाकर आपने यहाँ पर इसको नाम दे देना, कोई भी नाम दे दें। मैं यहाँ पर इसको एंडलेस का दे देता हूँ, एंडलेस नोटपैड। अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन देनी है वो आपने देनी है डॉट बैट, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन दे देंगे, उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा और वापस आएंगे तो ये आपके सामने एंडलेस नोटपैड है। पर मैं आपको बार बार कहूंगा इसको आप एग्जीक्यूट मत कीजिएगा, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका नुकसान आपको खुद उठाना पड़ेगा। मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं क्योंकि ये एक तरह का वायरस है जो आप लोगों ने क्रिएट किया और फिर आप मतलब अपने पीसी में इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो खतरनाक होंगे रिजल्ट उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि मैंने आपको इसमें एडवांस में बता दिया कि काफी नुकसानदेह है। तो ठीक हो गया, मैंने ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा था, अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो ये प्रोग्रामिंग का इतना हिस्सा था, मैंने आप लोगों को बनाने सिखा दी। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।